हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ये है हमारा क्लास ट्वेंटी इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मिशन है हमारा रेलवे पार्ट और टारगेट है फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है इसमें फोर्टी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ हंड्रेड ये जो क्वेश्चन पेपर है आर आर का नाइनटीन अप्रैल टू का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन जहांगीर, जहांगीर सम्राट था अकबर और फिर आता है कौन जहांगीर तो ये फोर्थ नंबर का मुगल शासक था तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड है डेस ग्रांटेड चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी टू इस्टेब्लिस ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया इन सिक्सटीन हंड्रेड यानी कि सोलह शो में भारत में व्यापारिक पदों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के को चार्टर प्रदान किया तो किसने किया था क्यून एलिजाबेथ प्रथम ने यानी कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ये चार्टर प्रदान किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड है मीथेन इज नॉन एज यानी कि मीथेन के रूप में जाना जाता है ऑप्शंस दिया गया है मीथेन जो है लाफिंग गैस होगा टीयर गैस होगा मार्स गैस होगा या फिर नॉन ग्रीन हाउस गैसेस होगा तो जो मीथेन है पहले तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसके बारे में बात करें तो मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है सी एच फोर और ये एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है या कलरलेस एंड ऑर्डरलेस ऑर्डरलेस गैस है और इसी को कहा जाता है मास गैस यानी कि गैस ये मार्स गैस इनको कहा जाता है तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर और साथ ही में बात करें इसका एक नाम और है इसको क्या कहा जाता है मिथाइल मिथाइल हाइड्राइड मिथाइल हाइड्राइड भी कहा जाता है मीथेन को तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर साथ ही में बात करें जो लाफिंग गैस है इनसे भी क्वेश्चन बनता है जो लाफिंग गैस यानी कि हंसाले वाली गैस है इसको कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका भी फॉर्मूला पूछा जाता है एन टू क्या है लाफिंग गैस इसी को बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड और साथ ही में बात बात करें जो गैस है या फिर इनको आंसू गैस कहा जाता है तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है कभी पूछा तो नहीं गया पर पूछा जा सकता है सी टेन एच फाइव सी आई एन टू तो ये है इसका केमिकल फॉर्मूला सी है करेक्ट आंसर इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हवा महल इन जयपुर इज यूजिंग यानी कि जयपुर में हवा महल डैश का उपयोग कर बनाया गया है तो जो हवा महल है आपने देखा होगा जयपुर में काफी फेमस है ये ये लाल और गुलाबी जो बलुआ पत्थर है यानी कि रेड एंड पिंक सैंडस्टोन के द्वारा बनाया गया है तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर और इसके बारे में बात करें जो हवा महल है जयपुर में ये जो है एक राजपूत आर्किटेक्टर इसका स्टाइल इस है और इसको स्ट्रक्चर इस इस को बनवाया किसके द्वारा है महाराजा सवाई प्रताप किसके द्वारा महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसको बनाया गया है कब 1799 यानी कि सत्रह सौ निन्यानवे ईस्वी में महाराज सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है सी है करेक्ट आंसर साथ ही में जयपुर के बारे में बात करें तो ये किसका कैपिटल है ये राजस्थान जयपुर जो है ये राजस्थान का कैपिटल है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द कंसेप्ट ऑफ द गेम ऑफ इज एलिमिनेटिंग एन अपोनेंट बाय टचिंग यानी कि प्रतिद्वंद्वी को छूकर आउट करना किस खेल की अवधारणा है तो इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था क्योंकि खो खो और कबड्डी इन दोनों में ही जो अपोनेंट होते हैं प्रतिद्वंदी होते हैं उनको टच करके आउट किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं इससे पहले हम देखें तो खो में प्लेयर पूछ लिए जाते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स नंबर ऑफ प्लेयर्स इस गेम में कितने होते हैं तो ईच टीम में नाइन प्लेयर्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कार स्टॉप्स ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स मेनली ड्यू टू यानी कि बल के कारण मुख्य रूप से ब्रेक लगाने पर एक कार रुकती है तो ये किसका उदाहरण है तो ये घर्षण यानी कि फ्रिक्शन का उदाहरण है फ्रिक्शनल फोर्स को तो कहा जाएगा घर्षण बल बल्ब इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट है घड़ियों में प्रयुक्त एक जो मटेरियल होता है उसका यूज किया जाता है ये क्या है तो जो वॉच होती हैं क्लॉक होती हैं उनमें कॉर्ज मटेरियल यूज किया जाता है कॉर्ज क्रिस्टल यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है सिलिकन डाइऑक्साइड यानी कि एस का केमिकल कंपोजिशन होगा पी हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट है द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज द यानी कि भारत में राज्य का प्रमुख है तो हमने इंडियन पॉलिटी में इसको डिस्कस किया है काफी डिटेल में हमने इन पर क्वेश्चन किए हैं तो आपने यदि नहीं देखे हैं तो जाकर इनको जरूर देखें के थ्रू हमने कंप्लीट किया है इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री को तो आप इन दोनों को जाकर जरूर देखें तो भारत में राज्य का प्रमुख को कहा जाता है राष्ट्रपति तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है प्रेसिडेंट को और हेड ऑफ द नेशन किसको कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर को इन दोनों से काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड यानी कि हेड ऑफ स्टेट कहा जाएगा प्रेसिडेंट को और हेड ऑफ द नेशन कहा जाएगा प्राइम मिनिस्टर को तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर और इससे रिलेटेड हम बात करें प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इनसे रिलेटेड बात करें तो फर्स्ट पॉइंट ये हो जाता है कि हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट किसको कहा जाएगा प्रेसिडेंट को और इसको कहा जाएगा हेड ऑफ द नेशन या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट को तो कहा जाएगा प्राइम मिनिस्टर को साथ ही में जो इसके पास प्रेसिडेंट के पास पावर्स रहती हैं उनको नॉमिनल नॉमिनल पावर्स बोला जाता है कि और प्राइम मिनिस्टर रहेगा उस पर रियल पावर्स रहे यानी कि जो प्रेसिडेंट होगा उसको नाम की पावर दी जाती है मैन जो पावर रहती हैं रियल पावर जो रहती हैं वो रहती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है तो आप इनको जरूर याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेम द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इन बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश में सरकार के प्रकार का नाम बताइए तो जो बांग्लादेश में गवर्नमेंट है उसको बोला जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि संसदीय लोकतंत्र तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर साथ ही में बात करें बांग्लादेश की तो इसके बारे में काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसका कैपिटल क्या है ढाका कैपिटल है करेंसी पूछी जाती है करेंसी है टका और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद अब्दुल हामिद हैं प्रेसिडेंट और साथ ही में प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो कौन है एक हसीना एक हसीना और इंडिया और बांग्लादेश से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है तो संप्रति एक्सरसाइज होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच और जो इस बार 2020 की जो हुई है ये कहाँ पर हुई है मेघालय में इसको कंडक्ट किया गया है तो इससे भी क्वेश्चन जरूर बनता है इम्पोर्टेंट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच डिफेंस एक्सरसाइज होती है जिसका कि नाम है सम्प्रति एक्सरसाइज बी हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट यानी कि किस राज्य ने अपनी सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम सीमा के साथ साझा की हैं ऑप्शन हैं मणिपुर वेस्ट बंगाल असम उत्तराखंड तो जो असम राज्य है असम इसने सबसे ज्यादा बाउंड्री अन्य राज्यों के साथ शेयर की है. देख लेते हैं तो जो असम राज्य है ये किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश साथ ही में नागालैंड के साथ भी करता है ये नागालैंड के साथ फिर उसके बाद नीचे की तरफ आए तो मणिपुर टच होगा इससे मणिपुर भी होगा मिजोरम भी होगा ये सब इससे टच होते हैं मिजोरम उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मेघालय भी इसके साथ टच होगा और साथ में ये किसको टच करेगा ये वेस्ट बंगाल को भी टच करेगा तो इतने के साथ असम अकेला बाउंड्री शेयर करता है इंडियन स्टेट से तो इतना हो जाएगा सिक्स स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करेगा तो सबसे ज़्यादा असम बाउंड्री शेयर करता है ऑप्शन के हिसाब से हम चले तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर असम के बारे में बात करें तो इसका कैपिटल क्या है दिसपुर है कैपिटल और यहीं पर है असम में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है और साथ ही में यहाँ पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पर इंडिया का एकमात्र गोल्डन बाग गोल्डन बाग यहीं पर देखा गया है तो ये भी आपको याद रखना है असम से रिलेटेड सी हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस डज नॉट रिफर टू तो द गेम ऑफ प्लेइंग कार्ड यानी कि टेस खेल कार्ड जो ताश होता है उसका उल्लेख नहीं करता है तो ऑप्शन है ब्रिज ब्लैक जैक वास सॉलिड तो जो स्क्वैश है ये इस गेम से रिलेटेड नहीं है तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12th है जस वाज अपॉइंटेड एज वन ऑफ द गुडविल एंबेसडर्स बाय यूएनडीपी इन मार्च 2016 यानी कि यानी कि मार्च 2016 में यूएनडीपी द्वारा सद्भावना राजदूतों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था तो किसको किया गया था मिशेल यो हो यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर अब इसमें एक और वर्ड है यू ये क्या है यू ये है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है 1965 को इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसके हेड क्वार्टर के बारे में बात करें तो कहां पर है न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में है इसका क्वार्टर और इसका जो हेड है ये कौन है तो जो हेड है ये है अचीम स्टेनर इसके हैं हेड तो इतना कुछ इससे याद रखना है बी हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ द प्रोसेस ऑफ एबजॉर्बन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ईयर यानी कि हवा से नमी के अवशोषण की, की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो ये कहलाती है डेल्यूक्शंस डेली ये प्रोसेस कहला जाती है तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 है द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग फैट कंटेंट इन मिल्क इज कॉल्ड यानी कि दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को कहा जाता है इसको कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 है विच स्टेट हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा यानी कि किस राज्य में लोकसभा की दूसरी सबसे अधिक सीटें हैं तो दूसरे नंबर पर लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं बिहार राज्य में तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सबसे ज्यादा कहां पर है उत्तर प्रदेश में है यूपी में है सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पर है बिहार में बिहार के बारे में बात करें तो इसका कैपिटल क्या है पटना पटना है कैपिटल सीएम कौन है सीएम है नीतीश कुमार नीतीश कुमार है सीएम और इसकी जो गवर्नर हैं ये हैं कौन फागू चौहान फागू चौहान है गवर्नर इतना कुछ बिहार से रिलेटेड याद रखना है डी है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेयर आउट यानी कि अजीब जोड़ी को बाहर खोसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एयर में रहेंगी सल्फर एंड फॉस्फोरस जो तो मैच स्ट्रिक होता है उसमें रहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर कंटेंट मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम एंड सिल्वर स्टेनलेस स्टील तो ये हो जाएगा तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर इसको हमने पहले भी देखा था जो स्टेनलेस स्टील है ये अलाव है अलाव है किस किस से मिलकर ये बना है सिलिकन निकल कार्बन नाइट्रोजन एंड मैगनीस तो इन सबसे मिलकर ये अलाव है तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ये पेयर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वाज़ फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि टैग्ड प्रोडक्ट इन इंडिया यानी कि भारत में पहला भौगोलिक संकेत जी टैग किया गया है उत्पाद था तो जो दार्जिलिंग टी है ये फर्स्ट जी टैग को तो दिया गया था तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर तो दार्जिलिंग टी है दार्जिलिंग चाय है ये फर्स्ट प्रोडक्ट था इंडिया का जिसको कि जीआई टैग दिया गया था और किस ईयर में दिया गया था टू थाउजेंड फोर फाइव में टू थाउजेंड फोर फाइव में इसको जीआई जीआई टैग दिया गया था फर्स्ट प्रोडक्ट था ये हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर एटीन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज यानी कि पानी का हिमांक बिंदु है तो ये फेरन में है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कई बार मैंने बताया है आपको जी अपॉन फाइव इक्वल टू एफ माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन इक्व टू आर बाई फोर और इक्व टू के माइनस टू सेवेंटी थ्री अपॉन फाइव तो ये फार्मूला आपको याद रखना है इसका आप स्क्रीन शॉट लेकर भी रख सकते हैं अब जो फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड हमें पता है तो इसको यदि कन्वर्ट करेंगे इस रिलेशन से तो c का वैल्यू हो जाएगा जीरो तो f माइनस थर्टी टू टू जीरो यानी कि f इक्व टू थर्टी टू डिग्री फेरनहाइट तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन इस जो ये वो फॉर्मूला है इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है तो इसको आप याद रखें ये हो जाएगा कैलबिन फेरग्रेट और साथ में ये रैंकाइन स्किल भी इसमें साथ में रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है डॉट डॉक्स फाइल इज क्रिएटेड विद यानी कि डॉट डॉक्स फाइल किसके साथ बनाई जाती है तो इसको वर्ड प्रोसेसर में बनाया जाता है तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है नॉट बिलोंग टू द साइन यानी कि जो तो राशियां होती हैं उनमें से संबंधित कौन सी नहीं है तो हिंदी से आप इजीली देख सकते हैं मेन होती है तुला और कुंभ ये तीनों जोडिक साइन होते हैं जो ऑफियोच है ये नहीं होता है जोडिक साइन तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर इजीली आप इसको बता सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सटोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू यानी कि जो टेक्सोनॉमी है मूल रूप से संबंधित है तो ये मूल रूप से संबंधित है जैव विविधता से यानी कि बायोडाइवर्सिटी से तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर तो बायोडाइवर्सिटी की स्टडी को बोला जाता है टेक्सोनॉमी नेक्स्ट क्वेश्चन है इज नॉट ए कॉन्स्टिट ऑफ यानी कि दांत के पेस्ट का एक घटक नहीं है तो कौन कौन घटक हैं यानी कि कॉन्स्टुट कौन कौन है पेस्ट के टूथपेस्ट के एब्रेसिव अपघर्षक फ्लोराइड ये भी है और सर्फिकेंट सर्फिकेंट यानी कि पृष्ठ कारक ये तीनों ही घटक हैं जो लुब्रिकेंट है ये घटक नहीं है तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द प्लेनेट यानी कि ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी तो इसकी इसकी खोज खोज हुई हुई थी थी 1930 1930 में, 1930 में प्लूटो की इसका हो जाएगा Correct answer, question number 24th है in 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में नाम बदल दिया गया था तो किस बैंक का नाम बदल कर रखा गया था भारतीय स्टेट बैंक तो जो एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ये ही इसका नाम बदल कर रखा गया था भारतीय स्टेट बैंक तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट साथी में बात करें इसके बारे में और बेसिक जो नॉलेज है इसके बारे में इसका हेडक्वाटर पूछे तो हेडक्वाटर कहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में इसका है हेडक्वाटर और इसके चेयरपर्सन कौन है चेयरमैन कौन है चेयरमैन है दिनेश कुमार दिनेश कुमार हैं चेयरपर्सन साथ ही मैं अब इसके बारे में बात करें इसकी प्रोसीजर क्या रही थी जो बैंक इम्पीरियल इंप्रिय, बैंक ऑफ इंडिया से नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे पड़ा था तो इसकी प्रोसीजर हम देखें तो सबसे पहले ये था बैंक ऑफ कैलकाटा बैंक ऑफ कैलकाटा ये कब से कब तक था 1806 से 1921 तक ये बैंक ऑफ कैलकाता के नाम से चलता था बैंक ऑफ जो बॉम्बे होगा बैंक ऑफ बॉम्बे बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 से लेकर 1921 और साथ ही में बैंक ऑफ मद्रास यानी कि 1843 से 1921 और 21 में 1921 से लेकर 1955 तक इनके नाम बदलकर कंबाइन हुए और इसको कहा गया क्या इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया साथ ही में 1955 के बाद इसको कहा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो ये है इसके पीछे प्रोसीजर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट जनरली यूज एज फ्रूट यानी कि आमतौर पर किसी फल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है स्ट्रॉबेरी फल है ग्रेप्स नाशपाती अंगूर और स्ट्रॉबेरी ये तीनों ही फल हैं जो टमाटर है ये एक सब्जी का प्रकार है तो डी इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेक इन इंडिया वीक वाज लॉन्च इन फ्रॉम थर्टीन टू एटीन फरवरी 2016 यानी कि मेक इन इंडिया सप्ताह है तेरह से अठारह फरवरी 2016 तक कहाँ लॉन्च किया गया था तो इसको लॉन्च किया गया था मुंबई में तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े इफ चेन्नई रिलेटेड टू तमिलनाडु देन झारखंड रिलेटेड टू रांची क्योंकि जो चेन्नई है इसका कैपिटल है तमिलनाडु ऐसे ही झारखंड का कैपिटल क्या होगा रांची तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर एक तौर से देखा जाए तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है बी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है द फेमस फोरविटन सिटी इज इन यानी कि जो प्रसिद्ध फोरविटन सिटी है ये कहाँ पर है तो ये है चाइना में तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर अब चाइना के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है इसका बीजिंग बीजिंग है इसका कैपिटल साथ ही में बात करें प्रेसिडेंट के बारे में तो प्रेसिडेंट कौन है इसके प्रेसिडेंट है जी जिंगपिंग जी जिंगपिंग और इसकी एक और रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि इसकी करेंसी क्या है करेंसी कई बार पूछ ली जाती है तो करेंसी क्या है चाइना की रैन मिन, मिन इसकी है करेंसी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन सॉलिड्स डज नॉट डिपेंड ऑन यानी कि जो ठोस पदार्थों में ऊष्मा चालन की दर निर्भर नहीं करती है तो सामग्री ऑफ सामग्री का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल पर निर्भर करती है डायमेंशन ऑफ मटेरियल पर भी निर्भर करती है यानी कि सामग्री का आयाम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी ये निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर पर जो फ्रिक्शन है घर्षण है इस पर निर्भर नहीं करता है तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 एस पर टाइगर सेंसस ऑफ 2014 टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया वाज एस्टिमेटेड एट यानी कि 2014 की बाघ जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का अनुमान लगाया गया था तो जो टाइगर सेंसस हुआ था 2014 में ये बाघों की संख्या का अनुमान लगाया गया था तो दो सौ छब्बीस यानी कि इसी इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर और साथी में प्रेजेंट जो सेंसस हुआ है प्रेजेंट जनगणना हुई है ये कब हुई है टू थाउजेंड एटीन में और इसके अनुसार ये जो संख्या है दो हजार नौ सौ सड़सठ यानी कि टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी सेवन टोटल बाघ हैं और सबसे ज्यादा बाघ जो है किस राज्य में है तो सबसे ज्यादा बाघ एमपी में मध्य प्रदेश में स्थित है और इनकी जो संख्या है ये कितनी है 526 उसके बाद आता है कर्नाटका कर्नाटका में भी बाघों की संख्या 524 है और उसके बाद उत्तराखंड वगैरह ये आते हैं तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 2014 का आपको बताना है टू थाउजेंड का आपको याद रखना है साथ ही में दो ये है बाघों की संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड डे इन 2016 यानी कि 2016 में विश्व वेटलैंड दिवस के लिए थीम थी तो 2016 में जो वर्ल्ड वेटलैंड डे था इसकी थीम थी सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स यानी कि सतत आजीविका तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर और साथ ही में बात करें जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है ये मनाया कब जाता है तो ये मनाया जाता है सेकेंड फेबर को इस बार मनाया गया है कब 2022 में जो तो कि में क्योंकि टूज, ट्यूजडे को मनाया गया था और साथ ही में बात करें इसकी जो थीम थी इस बार की ये क्या थी वेटलैंड्स वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी तो ये भी आपको याद रखना है इस बार की इसकी थीम ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन यानी कि प्रशीतन में उपयोग किया जाता है तो रेफ्रिजरेशन में उपयोग किया जाता है किसका क्लोरोफ्लोरो कार्बन का यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री हेलीस कॉमेट इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू द विशिनिटी ऑफ अर्थ इन द ईयर यानी कि हेली के धूम के, के पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है कब यानी कि 2061 में इसकी लौटने की उम्मीद है तो बी जाएगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ए डी इज टेक्नोलॉजी यानी कि असीमित डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक तकनीक है तो ये कौन सी तकनीक है ये एक वायर्ड डाटा कम्युनिकेशन है यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आ, एक वायर डेटा संचार है बी हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अपॉइंटेड एज द डिफेंस मिनिस्टर वेन द सिक्सटीन परसेंट लोकसभा वॉज फॉर्म इन टू थाउजेंड फोर्टीन यानी कि दो हजार चौदह में जो सोलह परसेंट लोकसभा के गठन के समय सोलहवीं सोलहवीं लोकसभा के गठन के समय रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था सिक्सटीन तो जो लोकसभा हुई थी उसमें किसको रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था तो रक्षा मंत्री मनोहर परिकर को नियुक्त किया गया था तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर अब करंट के बारे में बात करें तो अभी प्रेजेंट में कौन सी है सेवनटीन नंबर की लोकसभा है और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं स्पीकर कौन है स्पीकर कौन है ओम बिड़ला ओम बिरला है स्पीकर सेक्रेटरी जनरल अभी नियुक्त हुए हैं कौन सेक्रेटरी जनरल कौन उत्पल उत्पल कुमार उत्पल कुमार सिंह अभी नियुक्त हुए हैं कब 30 नवंबर 2020 को इसको हमने जो वीकली करंट अफेयर्स सीरीज है इसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था इनको भी आप जाकर जरूर देखें काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए ये सप्ताह में एक वीडियो आता है उससे आपको सारे सप्ताह के पूरे करंट अफेयर्स रिलेटेड नॉलेज सारा मिट जाता है साथ ही में लीडर ऑफ द हाउस बोलें तो नरेंद्र मोदी होंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट दउट हमको चुने ऑप्टिकल डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज सॉलिड स्टेट ड्राइव तो ये तीनों ही स्टोरिंग डिवाइसेस हैं जो पेटा वाइट है पैटावाइट ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है एक एक तरह का बोले ये एक यूनिक टाइप का हो जाएगा पैटाबाइट बाइट तो होगा यूनिट टाइप का हो जाएगा तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर इनसे ये अलग है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है विच वन इज नॉट ट्रू विथ बैकअप यानी कि बैकअप के साथ कौन सा सही नहीं है कंप्यूटर फाइलों का सटीक प्रतिलिपि यह व्यवसाय की निरंतर निरंतरता योजना का हिस्सा है पीसी को नियमित बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है ऑफसाइट और ऑन साइट बैकअप अधिक फायदेमंद है तो आपको बताना है कौन सा ट्रू नहीं है तो जो पी PC सी है पी सी डू नॉट रिक्वायर रेगुलर बैकअप तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑल वुमेन टू व्हीलर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन यानी कि भारत में पहली सभी महिलाओं के लिए टू व्हीलर सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू गई थी तो ये कहाँ पर गुरुग्राम में गुरुग्राम में इसको इस शुरू किया गया था ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39th है द पीरियड ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया रिफर्स टू यानी कि भारत के डोमिनियन की अवधि को संदर्भित करता है तो इंडिपेंडेंस डे टू रिपब्लिक डे इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस के लिए स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे टू रिपब्लिक डे डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन 2016 एशिया कप टी ट्वेंटी हेल्ड इन बांग्लादेश यानी कि 2016 में बांग्लादेश में आयोजित एशिया कप टी ट्वेंटी में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता देखिए सबसे पहले तो बात करें जो 2000 जो सिक्सटीन का एशिया कप हुआ था ये कहाँ पर हुआ था बांग्लादेश में इसको कंडक्ट कराया गया था होस्ट सिटी जो थी बांग्लादेश थी और इसको जो चैम्पियन था ये चैम्पियन जो था विनर था ये कौन था इंडिया और इंडिया ये जो टाइटल जीता था ये सिक्स टाइटल जीता था एशिया कप का रनर अप कौन था बांग्लादेशी रनर अप था साथ ही में प्लेयर ऑफ द सीरीज शब्बीर रहमान को दिया गया था मोस्ट रन शब्बीर रहमान ने ही बनाए थे वन टोटल टूर्नामेंट पे ये रन बनाए थे और मोस्ट विकेट ये भी बांग्लादेश की तरफ से थे अल अमीन हुसैन साथ ही में बात करें जो फाइनल मैच था इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो हुआ था उसमें मोस्ट स्कोर जो किया था किसने किया था शिखर धवन शिखर धवन के द्वारा ये मोस्ट स्कोर किया गया था और जो बात करें प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे वो कौन रहे थे शिखर धवन ही रहे थे तो इस तरीके से जो देखा जाए तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता था शिखर धवन ने तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर पर जो क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि जो प्लेयर ऑफ़ द सीरीज किसको मिला था तो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो मिला था वो मिला था शब्बीर रहमान को तो इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था सभी स्टूडेंट्स के लिए पर जो करेक्ट आंसर होगा वो शिखर धवन होगा क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था और मैन ऑफ द मैच जो फाइनल मैच में बने थे ये बने थे शिखर धवन तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े काकोरी ट्रेन रॉबरी टुक प्लेस इन द ईयर या, यानी कि काकोरी ट्रेन डकेती किस साल में हुई थी इसको क्या कहा जाता है काकोरी कॉन्फ्रें काकोरी, है और ये कब हुई थी 1925 अगस्त 1925 में जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी ये हुई थी तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर साथ ही में जो काकोरी है ये कहाँ है नियर लखनऊ और लखनऊ जब भी नाम आता है तो लखनऊ के किनारे कौन सी नदी है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है साथ ही में बात करें ये जो डकैती की गई थी ये रॉबरी जो की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी जो हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकियन एसोसिएशन था जो एच था इनके द्वारा की गई थी और इसको किसने किया था राम प्रसाद बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल और साथ इनका किसने दिया था अशवाक उल्ला खान। अस्वाक उल्ला खान ने इनका साथ दिया था तो इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि जो लखनऊ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफ्लमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड यानी कि फेमस शिली की सूजन को क्या कहा जाता है तो जो म्यूकस मेमब्रेन है उस पर जो सूजन आती है उसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस इसको कहा जाता है तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर साथ ही में बात करें ये आज की सीरीज का हमारा था लास्ट क्वेश्चन लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप जरूर किया कीजिए और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख कर इनका आंसर आप जरूर दिया कीजिए और साथ ही में बात करें जो लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन है इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ ही में हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम पेज है फेसबुक पेज है साथ ही में टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से यहाँ से आप वीडियो की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू